हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन डायरी। में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवरात्रि स्पेशल व्रत की थाली। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो पूरी थाली मैंने कैसे और कितनी देर में बनाई है इसको देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को पुश करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लौकी का हलवा बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने आधा किलो की लौकी ली है और इसको पहले हम छील लेंगे। तो इसका छिलका भी हम नहीं फेंकेंगे, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम इसको छील लेंगे और कद्दूकस में इसको ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने लौकी को छील लिया है। और कोशिश करिएगा कि अगर बीजा इसका नरम है तभी उसको यूज़ करिएगा, वरना उसका बीजा मत यूज़ करिएगा। तो ये देखिए मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और अब हम इसके अंदर का जितना पानी है उसको हम निचोड़ लेंगे। ये देखिए मैंने पानी अच्छे से निचोड़ लिया है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच देसी घी लिया है और अब मैंने इसमें लौकी डाल दी है और इसको खूब अच्छे से भूनेंगे। तो चूँकि हमने पानी पहले से निचोड़ लिया है तो इसको पकने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और इसमें पानी भी ज़्यादा नहीं छूटेगा। तो यहीं पे हम 2 से 4 टेबल स्पून के करीब शक्कर डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून के करीब क्रीम, जो मलाई होती है घर की, वो हमने इसमें डाल दी है। और फिर हम इसको थोड़ी देर अच्छे से भूनेंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर के बाद हमारी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो बस हमारा लौकी का हलवा बनके तैयार हो गया है। तो हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पहले हम एक चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्च, थोड़ी धनिया पत्ता, अदरक और 1 चम्मच सेंधा नमक इसमें डाल दिया है और इसको हम पीस लेंगे। तो ये देखिए मैंने पीस लिया है, अब इसको साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, मैंने 2 ही आलू लिए हैं, उसको अच्छे से फोड़ लिया है। और पैन में मैंने 1 चम्मच ज़ीरा, 2 हरी मिर्ची कट करके डाल दी हैं, बस इतना ही डालना है हमें। और फिर इसमें हम आलू डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और फिर हम इसको हल्का गोल्डन होने तक उसको भूनेंगे। तो भूनने के बाद हम इसमें 2 चम्मच चटनी, इसमें जो हमने पीस रखी थी, वो हम इसमें डाल देंगे। तो आप चाहे तो टमाटर ऐसे ही काट के डाल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से डालेंगे ना तो आपका झोल बहुत अच्छा से तैयार होगा। तो फिर अब मैंने इसमें 1 कप के करीब पानी डाल दिया और इसको हम खुला करके ही पकाएंगे। और ये देखिए इसमें मैंने धनिया पत्ता डाल दिया और फिर इसको हम थोड़ी देर ऐसे चलाते हुए भुनेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया सा झोल बन के तैयार हुआ है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे पहले मैंने 1/2 कप के करीब मूंगफली है, इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे इसके लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए मैंने मूंगफली अच्छे से रोस्ट कर ली है और अब हम इसको निकाल लेंगे और इसके छिलके को हम अच्छे से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने साबूदाना लिया था, इसको रात में मैंने भिगो दिया है और ये देखिए कितने अच्छे से इसमें ये भीग गया है और गल गया है। तो अब हम इसमें 2 से 3 आलू जो है मीडियम साइज़ के, मैंने छोटे साइज़ के आलू लिए थे तो मैंने 4 आलू लिए हैं और इसको इसमें फोड़ करके अच्छे से डाल देंगे। फिर मैंने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया है और अब हम इसमें सेंधा नमक डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने जो मूँगफली ली थी उसको भी क्रश करके इसमें डाल दिया, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। तो ये देखिए अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हम साबुदाने का वड़ा बनाएंगे इसका। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको एक शेप दे देंगे टिक्की के आकार का। आप चाहे तो जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे आप शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह का शेप दे दिया है। तो अब हम इसको चलिए फ्राई करते हैं। तो पैन में मैंने पहले से ही ऑयल डाल दिया था और रिफाइंड ऑयल मैंने यूज़ किया है और अब हम इसमें सारी टिक्कियाँ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर में हमारी टिक्कियाँ अच्छे से एक तरफ से सिक गई हैं और अब हम इसको पलट देते हैं। तो ये एक अच्छा सा कलर जब इसमें आ जाए और आपको लगे कि ये पक गई हैं तब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसको हम पलट के देते हुए इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और बस कुछ ही देर में हमारी टिक्कियाँ, हम साबुदाने का वड़ा जिसे हम बोलते हैं, वो हम तैयार हैं। तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के लिए। तो ये है
मैंने मखाने की खीर बनाई है, तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच देसी घी लिया है और उसमें मैंने एक कप के करीब मखाना लिया है और उसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो मखाने में मॉइस्चर हो वो बिल्कुल हट जाए। तो ये देखिए मैंने अच्छे से भून लिया मखाना और अब मैंने इसमें एक गिलास दूध डाल दिया है और अब हम इसको थोड़ी देर तक उबालेंगे और ये जब धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा तब हमारी खीर तैयार हो जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल सी और इजी रेसिपी है और इसमें मैंने एक चौथाई कप शक्कर डाल दी है और अब हम इसको अच्छे से उबाल लेंगे। तो इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती है और थोड़ी देर में देखिए इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे छोटी इलायची का पाउडर डाल देंगे, ऐसे फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा और बस ऐसे चलाते हुए पकाएंगे। इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए थोड़ी देर में हमारी खीर बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। तो अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कप कुटू का आटा लिया है और उसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है और एक चम्मच मैंने ज़ीरा डाल दिया है और अब हम इसमें दो आलू ग्रेटर में ग्रेट करके इसको डाल देंगे। आप चाहे तो फोड़ के भी डाल सकते हैं और मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती दी है और आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और फिर इसका एक डो तैयार करते हैं। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक डो तैयार करिए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देंगे तो और थोड़ी देर में ये देखिए हमारा बढ़िया सा आटा तैयार हो गया है। तो अब हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे। आप चाहे तो पराठा भी बना लीजिए लेकिन मैंने पैन में घी डाल रखा है तो हम इसका पूरी ही बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने एक लोई काट ली है और अब इसको हम बेलते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा कुटू का आटा डस्ट कर लिया है और अब हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको बेल लिया है और आप चाहे तो इसको किसी कटोरी की सहायता से काट लीजिए ताकि शेप अच्छा सा हो जाए। और ये देखिए मैंने पैन में डाल के पूरियाँ बढ़िया गरम गरम बना ली हैं। ये देखिए हमारी पूरी फूलना स्टार्ट हो गई है। तो हम इसको अलट पलट के इसको सेक लेंगे। तो ये देखिए हमारी कुटू की पूरी भी तैयार है। और यहाँ पे मैंने रायता बनाने के लिए आलू उबले आलू थे इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया और उसको फ्राई कर लिया है और वो वीडियो मेरी पूरी नहीं आ पाई है तो उसके लिए क्षमा करिएगा। और फिर मैंने यहाँ पे दही लिया है, उसमें मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है, सेंधा नमक डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, धनिया पत्ती डाल दी है और फिर उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारा रायता भी इजली तैयार हो गया है। और इसमें मैंने ये जो मूंगफली मैंने रोस्ट की थी उसको इस पर क्रश करके डाल देंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए हम अपनी थाली असेंबल करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लौकी का हलवा रख दिया है और आलू का झोल रख दिया है, मखाने की खीर रख दी है और आलू का रायता और ये साबूदाना बड़ा और ये मैंने पूरियाँ रख दी हैं। और मैंने कोकोनट की चटनी भी बनाई है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए हमारी नवरात्रि की थाली तैयार है। तो इस नवरात्रि इस थाली को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। पसंद है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।